हे गाइस, आज हम देखेंगे फन फूड पीनट बटर का रिव्यू। पीनट बटर को हम बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इसको ब्रेड पे भी लगा सकते हैं, इसका शेक भी बना सकते हैं और इसको पराठे पे लगा के भी खा सकते हैं। ये पीनट बटर क्रंची है। इसके दो पैक आते हैं, एक प्लेन वाला और एक क्रंची वाला। और यहाँ पे दी हुई है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, तो हर 100 ग्राम पीनट बटर में 636 कैलोरीज है, 25.6 ग्राम प्रोटीन है। पीनट बटर जो होता है वो प्रोटीन में हाई होता है। और यहाँ दिया हुआ इसका नेट वेट 925 ग्राम, तो लगभग 1 किलो के आसपास है। और इसकी MRP जो पहले 400 थी, अब 275 रुपीज़ है। 275 रुपये में 1 किलो पीनट बटर अच्छा है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक्सपायरी 1 साल तक की है। और ये जो पैकेजिंग है, प्लास्टिक का जार है। चलिए अब ओपन करके देखते हैं। इस तरह से सील पैक्ड होके आया है। जो सील है वो कागज़ की है, तो सील निकालते हैं और चलिए पीनट बटर देखते हैं कि क्या टेक्सचर है इसका। एकदम स्मूथ, जैसे कई सारे पीनट बटर में ऊपर ऑयल आ जाता है, वो नहीं आएगा। आप कभी भी पीनट बटर को फ्रिज में मत रखिए, बाहर रखिए रूम टेम्परेचर पे, आपका पीनट बटर हमेशा ऐसा ही रहेगा। पीनट बटर के ना फायदे बहुत होते हैं। ये वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है, हार्ट के लिए हेल्दी होता है और प्रोटीन का ये एक अच्छा सोर्स होता है। आप चाहें तो इसे ब्रेड पे प्लेन इसी तरह से लगा के खा सकते हैं, पराठों के ऊपर भी लगा के ये बहुत अच्छा लगता है। ब्रेड में ये लगाने के बाद आप इसके बीच में नट्स भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी, क्योंकि ये क्रंची है। इसमें बीच में मूंगफलियों के टुकड़े हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस एक स्लाइस के ऊपर आपने पीनट बटर लगाया, उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे। अब इसे मनचाही शेप में हम कट करके इसके सैंडविच बना देंगे, बच्चों को टिफिन में भी रख सकते हैं। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट एट दिस प्राइस रेंज। आई होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। हे गाइस, आज हम देखेंगे फन फूड पीनट बटर का रिव्यू। पीनट बटर को हम बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इसको ब्रेड पे भी लगा सकते हैं, इसका शेक भी बना सकते हैं और इसको पराठे पे लगा के भी खा सकते हैं। ये पीनट बटर क्रंची है। इसके दो पैक आते हैं, एक प्लेन वाला और एक क्रंची वाला। और यहाँ पे दी हुई है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, तो हर 100 ग्राम पीनट बटर में 636 कैलोरीज है, 25.6 ग्राम प्रोटीन है। पीनट बटर जो होता है वो प्रोटीन में हाई होता है। और यहाँ दिया हुआ इसका नेट वेट 925 ग्राम, तो लगभग 1 किलो के आसपास है। और इसकी MRP जो पहले 400 थी, अब 275 रुपीज़ है। 275 रुपये में 1 किलो पीनट बटर अच्छा है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक्सपायरी 1 साल तक की है। और ये जो पैकेजिंग है, प्लास्टिक का जार है। चलिए अब ओपन करके देखते हैं। इस तरह से सील पैक्ड होके आया है। जो सील है वो कागज़ की है, तो सील निकालते हैं और चलिए पीनट बटर देखते हैं कि क्या टेक्सचर है इसका। एकदम स्मूथ, जैसे कई सारे पीनट बटर में ऊपर ऑयल आ जाता है, वो नहीं आएगा। आप कभी भी पीनट बटर को फ्रिज में मत रखिए, बाहर रखिए रूम टेम्परेचर पे, आपका पीनट बटर हमेशा ऐसा ही रहेगा। पीनट बटर के ना फायदे बहुत होते हैं। ये वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है, हार्ट के लिए हेल्दी होता है और प्रोटीन का ये एक अच्छा सोर्स होता है। आप चाहें तो इसे ब्रेड पे प्लेन इसी तरह से लगा के खा सकते हैं, पराठों के ऊपर भी लगा के ये बहुत अच्छा लगता है। ब्रेड में ये लगाने के बाद आप इसके बीच में नट्स भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी, क्योंकि ये क्रंची है। इसमें बीच में मूंगफलियों के टुकड़े हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस एक स्लाइस के ऊपर आपने पीनट बटर लगाया, उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे। अब इसे मनचाही शेप में हम कट करके इसके सैंडविच बना देंगे, बच्चों को टिफिन में भी रख सकते हैं। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट एट दिस प्राइस रेंज। आई होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल।